अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप कोफिशेंट ऑफ कटासिस किसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली कटासिस में हमारे पास जो है वो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक हमारे पास जो है वो मेसोकार्टिक होता है, एक हमारे पास प्लेटिकार्टिक होता है, और एक हमारे पास सेलेप्टोकार्टिक होता है। क्योंकि कटासिस में हमारे पास ये तीन डिफरेंट फेजेस होते हैं, तीन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन को इन तीन तरीकों से जो है वो तीन जो है उनकी शेप जो है उसके ऊपर हम जो है वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो किस किस्म की है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कटासिस का कंसेप्ट होना चाहिए कि कटासिस हमारे पास एक ऐसा डिस्पर्शन टेक्निक है जो आपको ये बताता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो कितनी पीक्ड है या कितनी फ्लैट है। ठीक है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन की पीकडनेस या फ्लैटनेस को देखने के लिए आपके पास जो टेक्निक्स स्टेटिस्टिशियन जो आपको प्रोवाइड करते हैं उसको फिर हम कटासिस के नाम से जानते हैं। और कटासिस से किसी ना किसी हद तक हम आउटलायर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये पैदा होता है कि हम जो है वो कोफिशियंट ऑफ कटासिस, जिसको हम बीटा टू से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम मोमेंट कोफिशियंट ऑफ कटासिस भी कहते हैं, इसको हम थ्री से ही क्यों कंपेयर करते हैं? एक क्वेश्चन है ना, हम कहते हैं कि अगर बीटा टू की वैल्यू अगर हमारे पास थ्री आएगी तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकार्टिक, अगर बीटा टू की वैल्यू थ्री से लेस आएगी तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकार्टिक, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा टू जो है या कोफिशियंट ऑफ कटासिस अगर थ्री से ग्रेटर आ रहा है तो फिर उसको हम लेप्टोकार्टिक कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके आसानी के लिए जो है वो शेप्स भी बनाई है कि अगर बीटा टू की वैल्यू थ्री होती है तो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होती है। ठीक है, बिल्कुल बेल शेप जो है वो उसका कर्व होता है, दोनों टेल जो होती हैं वो लेंथ में क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। अच्छा, प्लेटिकार्टिक अगर आपके पास बीटा टू की वैल्यू थ्री से लेस देन आती है तो जस्ट लाइक प्लेट जिसमें आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, प्लेट से निकले तो इसका जो कर्व होगा जस्ट लाइक प्लेटिकार्टिक होगा, यानी प्लेटफॉर्म में आपको जो है वो बिल्कुल स्प्रेड हुआ वो नजर आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास जो है कोफिशियंट ऑफ कटासिस का आंसर थ्री से ग्रेटर आ जाता है तो उसकी जो शेप होगी फिर वो ये होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम थ्री से ही क्यों कंपेयर करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे जो है वो क्या कौन सा ऐसा पॉइंट है कि हम इसको फोर से क्यों नहीं करते, हम इसको फाइव से कंपेयर क्यों नहीं करते, ये थ्री का होना क्या लॉजिक है? तो देखिए डियर्स, हम जैसा कि जानते हैं कि जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपके पास यहाँ पे बैकबोन की हैसियत हासिल है। हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टोन कॉर्नर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, और हम ये भी कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द बैकबोन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, जिस तरह बिंग अ मुस्लिम हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है वो उस हसना क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी जब काम करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे नबी का तरीका इसमें क्या था। डेफिनेटली जब उसको हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए स्टैंडर्ड है, अल्लाह का पसंदीदा जो है वो ही अमल होगा जिसमें आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह स्टेटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चूंकि फोकियत हासिल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चूंकि बीटा टू या कोफिशन ऑफ कटासिस जो है हकीकत में वो थ्री के बराबर आता है। ठीक है, देखिए बीटा टू का फार्मूला होता है, ये रेशियो होती है म्यू फोर और म्यू टू स्क्वेयर का रेशियो होता है। ठीक है, इसके न्यूमरेटर में म्यू फोर होता है और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होता है, म्यू टू का स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो म्यू फोर होता है वो थ्री सिग्मा फोर के बराबर आता है और इसका जो म्यू टू होता है वो सिग्मा स्क्वेयर के बराबर आता है। जब इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये सिग्मा फोर हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा फोर और सिग्मा फोर आप इसमें कट जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास थ्री आ जाएगा। इसलिए जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा टू थ्री आ जाता है तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जब कोएफिशिएंट ऑफ कटासिस निकालेंगे तो उसको थ्री से कंपेयर करेंगे। तो उसके पीछे ये लॉजिक है, यही फलॉसफी है, ठीक है, यही इसके पीछे जो है वो मंतक है कि हम बीटा टू को हमेशा थ्री से क्यों कंपेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द किंग डिस्ट्रीब्यूशन, द मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ कटासिस है वो थ्री के बराबर आता है। दैट्स व्हाई वी ऑल द टाइम कंपेयर बीटा टू विद थ्री। ठीक है डियर्स, तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये की पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। हो सकता है कि आपकी लक में जो है कमीशन में क्वेश्चन पूछा जाए, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।